जब से खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के फेमस स्टार संजय दत्त लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, तब से लगातार उनके फैंस, उनके करीबी और बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं लगातार सलामती की दुआएं भी मांग रहे हैं। जहां एक ओर दुनिया भर में संजय दत्त को लेकर उनके फैंस सलामती की दुआएं मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। इस बीच अगर बात की जाए संजय दत्त के बारे में, तो संजय दत्त का बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज के साथ बेहद खास रिश्ता है, बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं। जहां एक ओर बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के साथ संजय दत्त का बेहद खास रिश्ता है, तो वहीं पत्नी मान्यता दत्त के साथ संजय दत्त बेहद प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हैं। शादी के इतने सालों बाद भी संजय दत्त और मान्यता दत्त का प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिलता है। हमेशा ही अपनी पत्नी मान्यता दत्त पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। वहीं मान्यता दत्त हमेशा संजय दत्त की मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी हुई नजर आती हैं और कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, और इस मुश्किल घड़ी में भी मान्यता दत्त संजय दत्त के साथ खड़ी हुई हैं। ऐसे में आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं संजय दत्त के उस बर्ताव के बारे में जो अपनी पत्नी के साथ करते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ बेहद प्यारा सा रिश्ता शेयर करते हैं, और इस बात का खुलासा खुद संजय दत्त ने अपने एक पोस्ट के जरिए किया था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते महीने ही मान्यता दत्त ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, और जन्मदिन के खास मौके पर संजय दत्त ने बेहद प्यारा सा तोहफा दिया। मान्यता दत्त को एक पोस्ट के जरिए एक इमोशनल कर देने वाला मैसेज लिखा, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी मान्यता दत्त से कितना प्यार करते हैं और मान्यता दत्त को क्या कहकर पुकारते हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जन्मदिन के खास मौके पर संजय दत्त ने एक प्यारी सी वीडियो को शेयर किया, और इस वीडियो को शेयर करते हुए संजय ने कैप्शन में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मॉम। जी हाँ, अपनी पत्नी मान्यता दत्त को मॉम कहकर बुलाते हैं संजय दत्त, और आगे लिखते हुए नजर आए, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि मैं मान्यता को मॉम कहता हूँ। मेरी जिंदगी में आने और इसे बेहद खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। तुम शानदार हो और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। काश मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ वहाँ होता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिन उतना ही स्पेशल जाएगा जितनी तुम मेरे लिए स्पेशल हो। वेल दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मान्यता दत्त के जन्मदिन के मौके पर संजय दत्त और कोरोना वायरस के चलते संजय दत्त और मान्यता दत्त एक दूसरे से दूर थे, और उस दौरान संजय दत्त ने मान्यता को मिस करते हुए ये मैसेज लिखा और जन्मदिन के खास मौके पर ये प्यारा सा तोहफा दिया। तो दोस्तों, इस तरीके का खास बॉन्ड शेयर करते हैं संजय दत्त मान्यता दत्त के साथ, और बेहद प्यारा सा रिश्ता देखने को मिलता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।